नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा के ग्यारसपुर में मानसरोवर सफाई अभियान निरंतर जारी है। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा के ग्यारसपुर का ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब की सफाई लगातार 3 महीने से की जा रही है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी के नेतृत्व में सफाई अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज एक दर्जन से अधिक सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं शिक्षक और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में मानसरोवर तालाब की सफाई की गई, जिसमें एक दर्जन ट्राली से अधिक जल कुभियां तालाब से बाहर निकाली गई। आज ग्यारसपुर में मानसरोवर स्वच्छता अभियान के दौरान जनपद CEO भगवान सिंह राजपूत, प्रताप सिंह मलाई, चिरावटा सरपंच वीरेंद्र सिंह दानगी, उघरकोटरा सरपंच कल्याण सिंह लोधी, नोलई सरपंच मनोज रघुवंशी, गुनुआ सरपंच रामराज दानगी, पिपरिया परासर सरपंच गोकुल प्रसाद लोधी, रंजीत गुर्जर, संतोष किरार, ओम प्रकाश द्वारा, रवि रघुवंशी, राघवेंद्र दानगी, सुरेंद्र शर्मा सचिव, भूरा सोनी संजय रेकवार दौरान प्रताप सिंह रघुवंशी, अमर सिंह रघुवंशी, दिगपाल रघुवंशी, रविंद्र रघुवंशी, ज्ञान सिंह अहिरवार CRC, रविंद्र रघुवंशी सहित आसपास के काफी ग्रामों के बंधुओं द्वारा श्रमदान किया। गंजबासौदा विधानसभा संवाददाता रवि रघुवंशी की रिपोर्ट।